उधर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि कल राहुल गांधी से पूछताछ होगी, जबकि 8 जून को सोनिया गांधी को बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये साजिश केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने के लिए अभी और कुछ वक्त की मांग की है। 2015 में ये केस बंद हो गया था, याद रखिए 2014 के पहले का केस है ये। ईडी की तरफ से ये केस बंद हो गया, हमारे सत्तारूढ़ सरकार के लोगों को नहीं लगा, उन्होंने ईडी में लोगों को बदला, हटाया, निरस्त किया अपने पदों से और नया केस खुलवाया प्रेशर डाल के, और उसके बाद अब 7 साल बाद ये समझ दे रहे हैं भ्रष्टाचार है और कोर्ट उसको देख रहा है, अच्छी तरीके से देख रहा है। मैं उस पर कमेंट क्यों करूं, लेकिन मेरा ये कहना है आपके ऊपर चार्जशीट लगती है तो यार आप कोर्ट में जाते इसको क्वेश्चन करो, क्योंकि आप ईमानदार हैं। जो ईमानदार नहीं होता वो बेल लेकर के दूसरे प्रयोजन करता है, तो ये बताता है कि आपके कागज जो हैं वो बिल्कुल कमीशन के साथ लैस हैं पूरे। कभी आपने देखा कि कोई मुजरिम बोले कि वो बेईमान है? कभी कोई मुजरिम बोलता है कि मैं बेईमान हूँ? सजा हो जाती है, 20-20 साल जेल में रह के जाते हैं, वो हमेशा ही बोलते हैं कि गलती में हमको फंसा दिया है। तो जो आदमी कटघरे में खड़ा है, जो बेल पर है, तो बेल उठवा लो ना, चार्जेस हटवा लो ना, क्यों नहीं करते? इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है, साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है।